अनंत आकाश, उसमें अनगिनत सितारे, उनमें से एक साधारण सा सितारा सूर्य। जिसके इर्द गिर्द घूमते 11 ग्रह, उनमें से एक छोटा सा ग्रह पृथ्वी, जिस पर पैदा हुआ मानव। पृथ्वी पर ये ईसवी सन 2123 का साल है और विश्व सरकार की राजधानी है दिल्ली। मंगल उड़ान के लिए अंतरिक्ष यान तैयार। तैयार। उड़ान कार्यवाही शुरू। उड़ान कार्यवाही जारी। यंत्र परीक्षा शुरू। सभी यंत्र सही सलामत। केबिन में दबाव बराबर। ईंधन का बहाव बराबर। आयन एक्सचेंज का दर बराबर। M2 काउंटडाउन के लिए तैयार। तैयार। काउंटडाउन शुरू। 5 4 3 2 1 0। मंगल की यात्रा शुभ हो माया। थैंक यू पापा। फिक्र ना कीजिए सर, सब ठीक हो जाएगा। पहली बार मेरी बेटी इतनी दूर जा रही है। काम चुना भी कितना खतरनाक है। ये क्या हो रहा है? अरे ये उल्का तो अपना रास्ता बदल रही है। लगता है यान की तरफ मुड़ रही है। लगता है M2 से टकराएगी। M2 को संदेश। M2 संपर्क करो। M2 प्लीज माया। M2 से संपर्क टूट गया है सर, कोई सिग्नल नहीं मिल रहा। तुम कोशिश जारी रखो और तुम मंगल छामी से संपर्क करो। हे भगवान, तुम जाके देखो यान को कितना नुकसान हुआ है। मैं यान संभालती हूँ। पृथ्वी से मंगल छावनी को संदेश। मंगल छावनी संपर्क करो। ये मंगल छावनी है पृथ्वी। M2 से हमारा संपर्क टूट गया है। शायद कोई अकस्मत हुआ है। लगता है M2 से कोई उल्का टकराई है। हमें एक्सीडेंट की खबर है सर। क्या वो तुम्हारे संपर्क में है? नो सर, M2 से हमारा भी संपर्क टूट गया है। लगता है यान को काफी नुकसान पहुंचा है सर। कोशिश जारी रखो, इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारी करो। रोजर सर, हम पूरी सावधानी बरत रहे हैं। M2 से पृथ्वी को संदेश। M2 से पृथ्वी को संदेश। संपर्क जरूरी। संपर्क जरूरी। हेलो हेलो, क्या आपको हमारा सिग्नल मिल रहा है? M2 से मंगल को संदेश। M2 से मंगल को संदेश। संपर्क जरूरी। संपर्क जरूरी। सारे संपर्क टूट गए हैं। मिशन यंत्र पर लोडिंग पैनल को काफी नुकसान पहुंचा है। और पायलट? पायलट बुरी तरह जख्मी है, वो बेहोश है। यान तो आप ही को संभालना पड़ेगा। कर पाओगी? ऐसी हालत में पहले कभी किया नहीं, लेकिन देखेंगे। यान मंगल कक्ष में आ गया है सर, लेकिन लगता है हालत बहुत गंभीर है। कितना नुकसान हुआ है पता लगा? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सर, लेकिन मेरे ख्याल से लैंडिंग उपकरणों को काफी नुकसान पहुंचा है।
उसे कुछ नहीं होना चाहिए, याद रहे कमांडर सुल्टन, वो तुम्हारे क्षेत्र में है, उसकी सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। I understand, sir. हमें यान से लैंडिंग सिग्नल्स मिल रहे हैं सर। उसे कुछ नहीं होना चाहिए। शाबाश M2, तुमने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। मामूली सा एक्सीडेंट था सर। मामूली सा एक्सीडेंट? अरे यहाँ हम सब और तुम्हारे पिता डॉक्टर रे काफी परेशान थे। अगर पापा का बस चलता तो मुझे इस मिशन पर कभी आने ही नहीं देते। समझ सकता हूँ, कोई भी बाप अपनी इतनी खूबसूरत बेटी को अपने से इतनी दूर भेजने को कैसे तैयार हो सकता है। और फिर आयो जेल का जेलर बनना कोई आसान काम तो नहीं। आसान काम तो कोई भी कर सकता है सर। यू आर राइट माया, तुम्हारे पिता मेरे गुरु थे, उनसे तुम्हारी खबर मिलती रहती थी, लेकिन यकीन नहीं होता तुम इतनी बड़ी हो गई हो। आपके बारे में भी पापा से बहुत कुछ सुना है सर। Oh really? Well, meet my son. ये है सूर्या, तुमसे मिलने के लिए बेताब है। जिंदाबाद। जिंदाबाद सूर्या, तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आई हूँ। मेरे लिए? क्या है? पहले आंखें बंद करो और दाहिना हाथ आगे करो। वाओ, इतना फैंसी दस्ताना, पृथ्वी पे नया फैशन है क्या? ये दस्ताना ही नहीं बल्कि ये सुपर कंप्यूटर भी है, और जानते हो इसका नाम क्या है? पाशा। पाशा? हाँ मेरे मालिक सूर्या। हे मंगल, इसे तो मेरा नाम भी मालूम है, ये और भी बहुत कुछ जानता है। चलो चलो यहाँ से चलो। सबसे पहले माया, मैं तुम्हें मंगल के युग पुरुष एस्ट्रो गुरु से मिलाने ले जा रहा हूँ, विश्व के सबसे ज्ञानी और सबसे लंबी उम्र वाले इंसान, पूरे 180 साल। ये जो सारा स्पेस स्टेशन देख रही हो ना, ये इन्हीं की निगरानी में बना है। इन्होंने 20वीं शताब्दी के अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरीज को लेकर गहरे अंतरिक्ष की खोज शुरू की। 100 साल पहले इन्होंने ही हमारे इस मंगल छावनी की कल्पना की थी, और आज भी अगर हमें किसी सलाह मशवरा की जरूरत पड़ती है अपने इस अंतरिक्ष के बारे में, तो हम और दूसरे ग्रहों के लोग इन्हीं के पास जाते हैं। हाय एस्ट्रो। प्रणाम एस्ट्रो गुरु, यह है माया, आयो जेल की नई जेलर। प्रणाम। सुंदर, अति सुंदर, इस सुंदरी को तो हमारे वातावरण में सदियों पहले आ जाना चाहिए था। सदियों पहले? तब तो मैं पैदा भी नहीं हुई थी। तो क्या हुआ, इस दुनिया में नहीं किसी और दुनिया में सही, किसी और आयाम में तो हम मिल ही सकते थे, जहां समय विपरीत दिशा में बहता हो। असंभव को संभव करने में लगे हैं मुद्दत से हमारे ये एस्ट्रो गुरु, फिजिक्स और फिलॉसफी को मिलाने की कोशिश में लगे हैं, ज्योतिष को विज्ञान का दर्जा देना चाहते हैं ये। अविश्वास के मनगढ़ंत स्वर्ग में रहते हैं लोग, ईश्वर की अनंतता में भी कोई अर्थ नहीं ढूंढ पाते,
अपने अज्ञान के घमंड में समझ बैठते हैं कि ईश्वर हमारा जीवन पासे फेंक कर चलाता है। मानना ही नहीं चाहते कि वहां भी एक अभिरचना है, एक व्यवस्था है। विश्वास नहीं होता। आओ मेरे साथ। यहां अपना हाथ रखो। जन्म सन 2201, भार 52 किलोग्राम, बादामी आंखें, काले रेशमी बाल, योग विद्या अस्त्र शस्त्र यान चालन में निपुण, पिता अंतरिक्ष वैज्ञानिक और माँ चित्रकार। ये सब तो किसी डेटा बैंक पे मिल सकता है। तो ध्यान से सुनो, तुम्हारी एक जुड़वां बहन है जिसे कोई अनजान बीमारी हुई थी। वो बीमारी तो ठीक हो गई, लेकिन तुम्हारी बहन को एक ऐसी हालत में छोड़ गई जिसका इलाज मुश्किल है। उसे कभी कभी दौरे पड़ते हैं, अपराधी मनोवृत्ति के दौरे, और इसीलिए तुमने जीव शास्त्र पढ़ने के बजाय अपराध शास्त्र और मनोविज्ञान की पढ़ाई पढ़ी, ताकि तुम उस बीमारी को समझ सको, उसका रहस्य सुलझा सको। और सुनो, बहुत जल्दी तुम कुछ लोगों के साथ एक खतरनाक अभियान पर जाओगी और तुम्हारा जीवन सदा के लिए बदल जाएगा। ये सब आपको कैसे पता चला? बहुत आसान है। अनिश्चित दिखने वाले ब्रह्मांड में भी अर्थ निहित है। ए एस्ट्रो, देखो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। ये उल्काएं अपना रास्ता बदल रही है। लक्षण अच्छे नहीं है। कोई अनजान शक्ति उल्काओं की दिशा आयु की तरफ मोड़ रही है। एस्ट्रो गुरु, आप क्यों बेकार में इसे डरा रहे हैं? आयु पूरी तरह सुरक्षित है। ये है आयु, तुम्हारी मंजिल, सूर्यमंडल का सबसे सुरक्षित जेल। मालूम है माया, सारे सूर्यमंडल में पृथ्वी के अलावा यही एक ग्रह है जिसमें जिंदा ज्वालामुखी, चुकंदक और तेजाब उगलते हैं। सच? फिर तो नर्क यही कहीं होगा। अगर सारे तारा मंडल के सबसे खतरनाक दरिंदे को कैद करके रखना हो तो नर्क जैसी ही कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी ना। यहाँ की सुरक्षा मानो एक चक्र व्यूह है। हमारे यहाँ 5 सुरक्षा चक्र हैं। सबसे पहले है ये खौलते लावा पर से गुजरती हुई सुरंग, जो खतरे का अंदेशा होते ही हट जाती है। इसके दूसरे छोर पर है डायमंड गेट, जो कि हीरो का बना है। विश्व का सबसे सख्त पदार्थ। यह है समय चक्र माया, इसमें समय को रोक दिया गया है। जो भी यहां से गुजरेगा वो समय में जम जाएगा। और ये है लेजर जाल, इसे जो भी पार करने की कोशिश करेगा जल के राख हो जाएगा। और ये है हमारा आखिरी चक्र, एस्ट्रो शील्ड एनर्जी वैक्यूम। ये ऊर्जा रहित घेरा है जहां कैदी कैद है। और अब पेश है ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक 12 मुजरिम। वैसे अपने आप में ये सब महान वैज्ञानिक हैं, लेकिन इन्होंने अपने संशोधन से ऐसी ऐसी महान शक्तियां हासिल की हैं कि अगर चाहे तो सारे ब्रह्मांड में आतंक फैला सकते हैं।
यह है दुर्गति, महान जीव शास्त्री, पराजीवों की बेजोड़ जानकारा। ये किसी भी जीव के विकास क्रम को पलट सकती है। यानी चाहे तो इंसान को वापस बंदर बना दे। इसने वालगोर ग्रह के करोड़ों वालगोर निवासियों को पलक झपकते ही रेंगते कीड़ों में बदल दिया। वहां की संस्कृति, सभ्यता, ज्ञान विज्ञान सब रातों रात मिट गई। कल्पना करते भी डर लगता है। यह है ग्रेविटो। इसने गुरुत्वाकर्षण शक्ति को अपने बस में किया है। ये जिरोन तारा मंडल के ग्रह को अपने सूर्य से इतना दूर ले गया कि वहां के सारे जीव सर्दी से जम के मर गए। यह है बहुरूपी उर्फ मोर्फो। ये शैतान अपना रूप, अपना आकार पलक झपकते ही बदल सकता है। अगर दुश्मन को पहचान ही ना पाओ तो उसे लड़ोगे कैसे? यह छलासुर, छल और भ्रम का जादूगर। ये तुम्हें चाहे जो भी दिखा सकता है, जो भी चाहे महसूस करा सकता है। यह है पारस। इसने अणु के रहस्य को पा लिया है। ये किसी भी धातु को किसी भी दूसरे धातु में बदल सकता है। फिर तो किसी भी धातु से ये परमाणु विस्फोट करवा सकता है। यह है वेनम। हर तरह के जहर और कीटाणु की जानकार। ये चाहे तो सारे वातावरण को जहरीला बना सकती है, जानलेवा बीमारियां फैला सकती है। यह है विकार। इस पर काल का कोई जोर नहीं। भूत से लेके भविष्य तक जब चाहे जहां चाहे सफर कर सकता है। यह है काइनेटो। इसने मन की शक्ति को इस हद तक सिद्ध किया है कि अपने मनोबल से किसी भी चीज को बिना छुए हिला सकता है, जला के राख कर सकता है। यह है सुर सम्राट सोनिक। अपनी संगीत से किसी के भी होश उड़ा सकता है, ध्वनि तरंगों से तबाही मचा सकता है। यह है कंप्यूटर। विश्व के किसी भी कंप्यूटर के साथ सीधा संपर्क कर सकता है, उसमें छिपी जानकारी पढ़ सकता है और चाहे तो उसे बदल भी सकता है। तेजांक। इसने ब्रह्मांड में बहती प्रकाश के किरणों को केंद्रित करने की टेक्निक ढूंढ निकाली है। प्रकाश को इतना तीव्र कर सकता है कि चाहे तो ग्रहों के तापमान को बदल के रख दे। यह है मोहिनी। अपने सम्मोहन की शक्ति से यह किसी को भी मोहित करके अपने वश में कर सकती है, अपना गुलाम बना के मनमानी करवा सकती है। माया, माया क्या सोच रही हो? समझ में नहीं आता, जिनके पास इतनी शक्ति हो वो विनाश क्यों चाहेंगे? और सोच के डर लगता है कि अगर ये लोग छूट गए तो क्या होगा। चिंता मत करो माया, ये जेल तोड़ना नामुमकिन है। चलो सेंट्रल कंट्रोल रूम की तरफ चलते हैं, वहां से भी तुम इनके होलोग्राम्स पढ़ सकती हो। ये उपग्रह 24 घंटे सैटेलाइट की निगरानी में है। पृथ्वी और मंगल से सीधा संपर्क है। चाचा, क्या हुआ तुम्हें? पता देखो मुस्ताका कुछ अजीब से हरकत कर रहा है। उल्कापात का खतरा, उल्कापात का खतरा। ये कैसे हो सर? उल्काओं का एक झुंड अपनी दिशा बदल रहा है, लगता है सीधा आयो की तरफ बढ़ रहा है। अनंत आकाश, उसमें अनगिनत सितारे, उनमें से एक साधारण सा सितारा सूर्य, जिसके इर्द गिर्द घूमते 11 ग्रह, उनमें से एक छोटा सा ग्रह पृथ्वी, जिस पर पैदा हुआ मानव। पृथ्वी पर ये ईसवी सन 2123 का साल है और विश्व सरकार की राजधानी है दिल्ली। आज से 125 साल बाद बुध ग्रह के चंद्रमा आयो पर सूर्यमंडल की सबसे सुरक्षित जेल है, जिसमें कैद हैं सारे तारा मंडल के सबसे खतरनाक मुजरिम। हर एक अपने आप में एक महान वैज्ञानिक, हर एक के पास ऐसी महाशक्ति जिससे वो सारे तारा मंडल में तबाही मचा सकते हैं। ये उपग्रह 24 घंटे सैटेलाइट की निगरानी में है। पृथ्वी और मंगल से सीधा संपर्क है। वो
मुशाका, मुशाका क्या हुआ है तुम्हें? पापा देखो मुशाका कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा है। मुशाका उल्कापात का खतरा। ये कैसे हो? सर उल्काओं का एक झुंड अपनी दिशा बदल रहा है, लगता है सीधा आयो की तरफ बढ़ रहा है। मुशाका ये तो एस्ट्रोशील अलार्म है। लगता है एस्ट्रोशील टूट गई है। नहीं नहीं, इस झटके से शील नहीं टूट सकती। क्या कोई सिस्टम फेलियर हो सकता है? इम्पॉसिबल माया। कैदियों को दिखाओ। लगता है कैमरा में कुछ गड़बड़ है। नीचे हो जाओ जल्दी। तुम्हें नहीं लगता हमें यहां से भागना चाहिए? बिल्कुल। आजादी। इस लेजर जाल को तोड़ दो, जल्दी जल्दी चलो भाग। सूर्या, सूर्या कहां है? व्हाट? सूर्या, ओ गॉड, ऐसे करो माया, तुम डीएफ जोन में जाओ, मैं प्रिजन एरिया चेक करता हूं। इसे मुझ पर छोड़ दो। सूर्या, तुम उस तरफ जाओ, मैं इस तरफ देखूंगी। सूर्या, चलो।
पापा को मार दिया। आखिरी रिपोर्ट क्या है? सर, आयो जेल को टूटे हुए एक घंटे से ऊपर हुआ है, लेकिन अभी तक संपर्क स्थापित नहीं हुआ। सर, रिमोट सेंसर से पता चलता है कि कैदी सूर्यमंडल से बाहर निकल गए हैं। कमांडर, सर, अंतरिक्ष फौजी दस्ता तैनात कर दिए गए। आपका आदेश मिलते ही हम हमला करने के लिए तैयार हैं। सर, हमारे फौजियान इतने तेज नहीं है कि हम कैदियों का पीछा कर सके, और एक बार अगर कैदी आकाशगंगा में बिखर गए तो उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारे नए यान जो तेज है वो बहुत छोटे हैं, जिनमें सिर्फ 10 लोग ही जा सकते हैं। पर सर, इतने खतरनाक मुजरिमों को पकड़ने के लिए हमें अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। कमांडर, उनमें से एक एक मुजरिम हमारी पूरी फौज को खत्म करने की ताकत रखता है। याद नहीं पिछली बार कैसे एक रबीटो ने सारी रेजिमेंट को उड़ा दिया था? सर, मुझे खतरे का पूरा अंदाजा है, इसलिए मैं इस मिशन की पूरी जिम्मेदारी खुद संभालना चाहता हूँ। सेना को यह जिम्मेदारी सौंपने से इस बात को छुपाना मुश्किल हो जाएगा। यह खबर फैलनी नहीं चाहिए। अगर लोगों को पता चल गया कि इतने खतरनाक कैदी टॉप सिक्योरिटी जेल से फरार हो गए हैं तो सारी दुनिया में अंधाधुंधी फैल जाएगी। सर, सारी जानकारी को प्रोसेस करने के बाद मदर कंप्यूटर ने इस मिशन के लिए कैप्टन व्योम का नाम चुना है। कैप्टन व्योम? कैप्टन व्योम स्पेशल कमांडो फोर्स का आकाशवीर है सर। उसकी काबिलियत क्या है, क्या तजुर्बा है उसका? सर, मुझे तो लगता है कि मदर कंप्यूटर से कोई गलती हुई है। सर, इतना खतरनाक मिशन किसी नौसिखिए को हम कैसे दे सकते हैं? इस वक्त कहाँ है कैप्टन व्योम? पृथ्वी की कक्षा में एक सीक्रेट मिशन पर। उसे फौरन यहाँ बुलाया जाए। तो वो छोटे से सितारे का मामूली सा ग्रह है, तो फिर क्यों चाहते हैं हम पृथ्वी को? क्योंकि पृथ्वी के ऊपर बहुत बड़ा खजाना है। वहां के लोगों के दिमाग में बहता हुआ फ्लूइड वो तरल पदार्थ है जो उनके दिमाग को सोचने की शक्ति देता है। अभी कुछ समय के बाद ये न्यूरॉन बॉम्ब पृथ्वी पर फटेगा, न्यूरॉन की लपटें उठेगी और लोगों के होश उड़ा देगी। पृथ्वी के सारे लोग बेहोश हो जाएंगे और फिर हम उन लोगों के दिमाग से वो फ्लूइड लूट लेंगे और फिर पृथ्वी पर हमारा राज होगा। कौन है ये? मैं हूँ व्योम, पृथ्वी का मन। पकड़ लो इसे। समझ में अभी नहीं आता
कि आयो जैसी टॉप सिक्योरिटी जेल से वो कैदी फरार हुए कैसे? सर, इसका जवाब तो सिर्फ जेलर माया दे सकती है। आप कहना क्या चाहते हैं? अगर माया वहां नहीं होती तो जेल नहीं टूटती। डॉक्टर रे, आप अच्छी तरह जानते हैं कि बाहरी मदद के बगैर आयो जेल नहीं टूट सकती। जेलर माया एक अपराध विशेषज्ञ है और विश्व सरकार की एक हुनर अफसर है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं, वो मेरी बेटी है। विश्व प्रमुख सर, क्या जेलर माया को सिर्फ इसलिए निर्दोष मानना चाहिए क्योंकि वो डॉक्टर रे की बेटी है? नहीं छोड़ूंगा। किसी है सूर्या? मैं ग्रेविटो को मार दूंगा, उसने मेरे पापा की जान ली। तुमने ठीक तरह से देखा? हाँ, उसने पापा पर लेजर गन चलाई। फिर क्या हुआ? फिर दुर्गति ने कुछ कहा और दोनों भाग गए। क्या क्या कहा सूर्या? याद करो क्या कहा। बोली, भागो, अगली उल्का 3 मिनट में टकराएगी। क्या, उसे कैसे पता चला कि उल्का कब टकराएगी? पृथ्वी से संपर्क हो गया है। जेलर M2 रिपोर्टिंग सर। हकीकत बयान। आयो को काफी नुकसान हुआ है। सारे कैदी जेल तोड़कर एक अंतरिक्ष यान चुराकर आयो से भाग गए हैं। उन्हें रोकने की कोशिश में कमांडर जोल्टन मारे गए। ऑफिसर, ये हुआ कैसे? छानबीन चल रही है सर। एस्ट्रो शील्ड कैसे टूटी? मालूम नहीं सर। 500 सुरक्षा चक्र कैसे टूटे? मालूम नहीं सर। इसका जिम्मेदार कौन है? मालूम नहीं सर। फिर तुम्हें मालूम क्या है? मालूम तो सिर्फ इतना है सर कि इन कैदियों को बाहर से मदद मिल रही थी। मतलब? जो उल्काएं आयो से टकराई थी उन्हें किसी अनजान शक्ति ने आयो की तरफ मोड़ा था। कौन सी शक्ति? अभी मालूम नहीं सर। अफसर, तुम्हें इस हादसे से होने वाले खतरे का अंदाजा नहीं है। अगर ये सारे कैदी फौरन पकड़े नहीं जाते तो तबाही मच जाएगी। हमें इसका पूरा अंदाजा है सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। पृथ्वी से तुम्हारे लिए मदद भेजी जा रही है, तब तक सारी कार्रवाई को रोक दिया जाए। Do you understand? जो हुक्म सर। Good. पृथ्वी से कैप्टन योन को संदेश। पृथ्वी से कैप्टन योन को संदेश। अब और कौन सी आफत आ गई? पृथ्वी से कैप्टन योन को संदेश। कैप्टन व्योम, पृथ्वी पर लौट आओ। पृथ्वी पर लौट आओ फौरन। पृथ्वी पर कौन हमें इतना चाहता है? ये मजाक का वक्त नहीं है कैप्टन व्योम। तो चलो कुछ प्यार की बातें करें। एक और प्रमुख का आदेश है, वो आपको 5 मिनट में मिलना चाहते हैं। मुश्किल है, कोशिश करूंगा। 5 मिनट जो होगी। खेलना चाहते हो? खेलो। Thank you.
आजा 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 कैप्टन व्योम है कहा वो अभी तक आया क्यों नहीं सर मुझे लगता है कि हमें किसी और नाम का भी विचार करना चाहिए सर इतने गैर जिम्मेदार आदमी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी का काम कैसे सौंपा जा सकता है मुझे पूरा भरोसा है वो जरूर पहुंच जाएगा सर कैप्टन व्योम रिपोर्टिंग सर कैप्टन व्योम तुम हमेशा इसी तरह रिपोर्ट करती हो कोशिश पूरी करता हूं सर कैप्टन व्योम ये विश्व प्रमुख की तोहिन है अगर दरवाजे से आता तो और देर हो जाती अगर और देर हो जाती तो आप और नाराज हो जाते ये क्या है न्यूरॉन बॉम्ब अगर मैं इसे न लाता तो बहुत बड़े धमाके के साथ यहां पहुंचता क्या मतलब आपके सिक्योरिटी दल से अनजान कुछ आतंकवादी पृथ्वी पर हमले की तैयारी कर रहे थे पर अब जाने दीजिए वो इतिहास का हिस्सा बन चुके हैं शाबाश थैंक यू सर आपने मुझे किसी खास काम के लिए बुलाया था सर कैप्टन व्योम तुम्हें एक बहुत ही खतरनाक मिशन के लिए चुना गया है मेरा मिशन क्या है सर ब्रह्मांड की रक्षा थैंक यू सर